मैं इसके लिए तृणमूल कांग्रेस के नेताओं का, तृणमूल कांग्रेस के जबरदस्त कार्यकर्ताओं का और सबसे ज्यादा अपने रामनगर और दीघा के अपनी जनता जनार्दन का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। मैं आगे क्यों जिज्ञेस कर लो एखने जो आसार समय আমাকে জিজ্ঞেস করলো কি আপনি তো বিজেপিতে ছিলেন, আপনি অটল বিহারী বাজপেয়ী গভর্নমেন্টের ক্যাবিনেট মিনিস্টার ছিলেন, হেলথ মিনিস্টার ছিলেন আপনি, তারপরে আপনি শিপিং মিনিস্টার ছিলেন, আপনি ছেড়ে দিলেন, যা কুণাল বাবু বললেন বিদ্রোহ করে চলে এসেছি, কেন? বহুত লোক জানা চাহতে কিউ ছোড় দিয়া, फॉर द सिंपल रीजन कि अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में बड़ी अच्छी सरकार थी, हमारे अपनी देश के सबसे लोकप्रिय नेता, बिहार बंगाल की सबसे बड़ी मास लीडर, इतनी अच्छी इमेज की रॉयल बंगाल टाइग्रेस, द ऑनरेबल सीएम ऑफ बंगाल ममता बनर्जी जी भी उस सरकार में थी और हम भी उस सरकार में थे और उस वक्त डेमोक्रेसी चलती थी, उस वक्त लोकतंत्र था, लोकशाही थी और अभी धीरे धीरे हमारे मित्र माननीय प्रधानमंत्री देश के नरेंद्र मोदी जी की सरकार में वो लोकशाही धीरे धीरे बदलकर तानाशाही में आ गई, अथॉरिटेरियन रूल यानी अहंकार से भरपूर सरकार, तानाशाही और ईवीएम मशीन का खेल करके सामने आने वाली सरकार जिस तरह से अपनी अकड़ दिखाई, अहंकार दिखाया, हमने जनता के हित में, लोगों के हित में बात की। मैंने कहा नोटबंदी बहुत गलत हुआ है, आपको याद होगा पूरे देश में सबसे पहले नोटबंदी के खिलाफ आवाज मैंने उठाई थी और यहाँ पे हमारी सर्वमान्य सबसे लोकप्रिय नेता ममता जी ने तो डंका बजा दिया था, इतना जबरदस्त बना किया था। ममता जी और हम साथ साथ एक ही पेज पे रहे हैं, उनका स्नेह प्राप्त होता रहा है, उनका मार्गदर्शन प्राप्त होता रहा है। मेरा अपना मानना है कि पूरे राष्ट्र में जय प्रकाश नारायण जैसे महानायक के बाद कोई अपने दूरदृष्टि की वजह से, अपनी सादगी की वजह से, सिंप्लिसिटी की वजह से, कोई अपने स्ट्रगल की वजह से, अपनी क्षमता की वजह से कोई नेता सबसे बढ़कर आई है तो वो है हमारी ममता और ममता बनर्जी, और हम दोनों सेम पेज पे रहे। उन्होंने भी कहा बहुत गलत हुआ है, ये देश की जनता के खिलाफ हुआ है नोटबंदी। हमने कहा अभी नोटबंदी से उभर ही नहीं पाए थे कि तब तक कॉम्प्लिकेटेड जीएसटी कर दिया, जीएसटी में एक साल में 365 दिन होते हैं, अभी तक जीएसटी में करीब करीब 400 बार संशोधन हो चुका है, हर दूसरे दिन संशोधन, यानी कि कोई क्लैरिटी नहीं, अहंकार और कंफ्यूजन से पॉलिसी सामने आती गई और हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ। हमने कहा